मेरे भाइयों, बिल्कुल डरना नहीं है, क्योंकि आजकल ले ऑफ का ज़माना चल रहा है। ले ऑफ जो है ट्रेंड में है। जिन लोगों को अपने यहाँ से रिसोर्स हटाना था या मिनिमाइज करना था या कॉस्ट कटिंग करनी थी, वो लोग ये कह रहे हैं कि एआई सिस्टम में इंटीग्रेट हो रहा है, इसलिए हम लोगों को जॉब से निकालना पड़ेगा। मेरे दोस्तों, तो आपको एआई इनेबल्ड बनना पड़ेगा, आपको एआई सीखना पड़ेगा। एआई से संबंधित जो टूल होते हैं उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। और एआई के टूल इतने भी बिल्कुल हार्ड नहीं है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है, जिनको सीखा ना जा सके। किसी भी उम्र के लोग, किसी भी उम्र के प्रोफेशनल इसको सीख सकते हैं, ठीक है। तो मेरे दोस्तों, एआई के बहुत सारे टूल आजकल मार्केट में आ गए हैं, बहुत सारे वीडियो बना के लोग डाल रहे हैं, कई काफ़ी सारे रिसोर्स हैं। गूगल भी फ्री में प्रोवाइड करवा रहा है, इन्फोसिस भी फ्री में एआई का क्लासेस प्रोवाइड करवा रहा है, और यूट्यूब पे तो फ्री में है ही। अगर फ्री में नहीं है तो आपको कोई ना कोई वेबिनार अगर पैसे दे के भी ज्वाइन करवा ले रहा है तो कर लीजिए, 100-200 रुपये में क्या जा रहा है, ठीक है। और आप यूडेमिस कोर्स कर सकते हैं, आपके नज़र में जो भी आपको दिखता हो कि जिससे उससे मैं सीख सकता हूँ, उसे सीखने की कोशिश करें। तो मेरे दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से हम लोग एक लिंक का यूज करके हम लोग उसमें से इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो अभी जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है माइक्रोसॉफ्ट का बिंग। ओके, माइक्रोसॉफ्ट का बिंग क्या है? ये माइक्रोसॉफ्ट का चैट बोट है, जैसे कि ओपन एआई का चैट बोट है, चैट जीपीटी, ठीक है। अब मैं इसका यूज करके, मेरे पास एक न्यूज़ की लिंक है। न्यूज़ की लिंक क्या है कि व्हेन विल ले ऑफ एंड, ये ले ऑफ से संबंधित एक न्यूज़ है, जिसमें जर्मन के एक बहुत बड़े बैंक ने, डच बैंक ने 1700 लोगों को ले ऑफ करने की खबर छापी हुई है। ये 11 घंटे पहले की न्यूज़ है मेरे दोस्तों, ठीक है। अब इस न्यूज़ में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो मैं चाहता हूँ कि मैं एक्सट्रैक्ट कर लूँ, ठीक है। नहीं तो इतना सारा ऐड हमें फालतू में देखना पड़ेगा। अब मैंने क्या किया, इस लिंक को कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया। अब मैं गया बिंग चैट के पास, कहा बिंग भैया कि ज़रा मेरे को इस लिंक में जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो ज़रा मेरे को ज़रा दो ना, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है और मैं चाह रहा हूँ कि बस इस लिंक का ये रेफरेंस से मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें से निकाल लूँ। तो मैं कहूँगा उससे कि प्लीज क्रिएट 5 बुलेट पॉइंट्स फ्रॉम द लिंक, कंट्रोल वी। देखिए कैसे निकालेगा ये 5 पॉइंट। अब इस लिंक का यूज़ करके हम 5, उसमें से 5 इम्पॉर्टेंट पॉइंट निकाल सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं, जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इतना ही नहीं मेरे दोस्तों, वो हर एक यह न्यूज़, इससे लेआउट से संबंधित न्यूज़ और किसी भी न्यूज़पेपर में छपी होगी तो उसका भी हमें वो रेफरेंस यहीं पर दे देगा, ताकि हम लोग उस रेफरेंस पॉइंट पे भी जा सकें और उस न्यूज़ को वैलिडेट कर सकें और भी उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी हो तो ले सकें, ठीक है। तो देखिए आपके सामने 5 पॉइंट आ गए हैं। डच बैंक इज प्लानिंग टू ट्रिम 10% ऑफ इट्स 17,000 स्ट्रॉन्ग जर्मन रिटेल जॉब वर्क फोर्स। द 1700 ले ऑफ विल हैपन ओवर द कोर्स ऑफ नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, कुछ सालों में धीरे धीरे होगा, एक ही बार में नहीं होगा। द बैंक हैज़ बीन स्ट्रगलिंग टू टर्न ए प्रॉफिट इन रिसेंट ईयर्स। मेरे दोस्तों, जैसा आपको पता है कि जर्मनी में रिसेशन चल रहा है, वहाँ की अर्थव्यवस्था अभी चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था है और हम लोग 5वें नंबर पे हैं। अगर जर्मनी की अर्थव्यवस्था डाउन हो जाएगी तो हम लोग चौथे नंबर पे हो जाएंगे। चौथे नंबर पे हो तो जाएंगे, लेकिन हमारी पर कैपिटा इनकम जर्मनी की पर कैपिटा इनकम से बहुत कम है, लेकिन फिर भी हमारे जो है, जो हमारे पास पर व्यक्ति की जो आमदनी है, प्रति व्यक्ति आमदनी जो है, प्रति व्यक्ति आय जो है, वह ज़्यादा नहीं होगी। इसलिए हमें कोई खुश होने की बात नहीं है मेरे दोस्तों, बस इतने पर खुश रहिए कि हम लोग चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं। अभी 5वें पे है, यूके को क्रॉस करके हम लोग 5वें पहुंच गए थे। द बैंक इज ऑल्सो प्लानिंग टू क्लोज सम ब्रांचेज एंड रिड्यूस इट्स रियल इस्टेट फुटप्रिंट। इस तरीके से ये देखिए, आपको 5 पॉइंट मिल गए इसमें से। मेरे बताने का ये मतलब था कि किसी लिंक से हम लोग कैसे निकाल सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। इतना ही नहीं मेरे दोस्तों, अगर मान लीजिए कि किसी को इंग्लिश नहीं आती है, अब वो क्या करेगा, ये 5 पॉइंट तो निकाल लिया उसने, अब क्या करेगा। इतना तो लिख ही सकता है कोई कि क्रिएट 5 बुलेट पॉइंट्स फ्रॉम द लिंक, ये तो किसी को भी आता है। अब देखिए, अब क्या कहेगा कि प्लीज ट्रांसलेट ट्रांसलेट एबव बुलेट पॉइंट्स इन टू इंग्लिश, सॉरी हिंदी, क्योंकि हिंदी में अब
अभी हमें पढ़ना है, हिंदी में इस पॉइंट को लेके आना है। अब देखिए चैट जीपीटी क्या करेगा, जो भी इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन से रिलेटेड जो भी साइट होंगी या जो भी टूल होंगे उनसे एक एक करके संपर्क करेगा, करेगा भैया ये मैं आपको पॉइंट दे रहा हूँ और आप जरा इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके दीजिए क्योंकि मुझे रिक्वायरमेंट है इसकी, ठीक है। अब देखिए ये हिंदी में धीरे धीरे ट्रांसलेट कर रहा है, क्या कह रहा है कि डच बैंक अपने 17,000 सदस्यों का जर्मन खुदरा नौकरी बल का 10% कम करने की योजना बना रहा है। अगले कुछ सालों में 1700 नौकरियां कम हो जाएंगी। बैंक हाल में लाभ कमाने की समस्या का सामना कर रहा है। नौकरियों को कम करना, खर्च को कम करने और लाभदायकता में सुधार करने के लक्ष्य से एक व्यापक पुनर्गठन प्रयास का हिस्सा है। बैंक कुछ शाखाओं को बंद करने और अपनी वास्तविक प्रतिष्ठा को कम करने की भी योजना बना रहा है। मेरे दोस्तों देखिए कितना सुंदर वो आपको हिंदी में भी ट्रांसलेटर ट्रांसलेशन करके ले आया। तो जो इंग्लिश जानते हैं उनके लिए भी अच्छा है, और जो इंग्लिश नहीं जानते हैं उनके लिए भी यह टूल अच्छा है ताकि आप न्यूज़ का इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ सकें। दोस्तों जब हम लोग न्यूज़ पे की वेबसाइट पे विजिट करते हैं तो उसमें जितना न्यूज़ नहीं होता है उससे ज़्यादा तो ऐड होते हैं, ठीक है, इसलिए न्यूज़ पढ़ने का मन नहीं करता है। तो अगर उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको निकालना है तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं इस कमांड का यूज़ करके, तो आपको उसके बारे में पता चल जाएगा मेरे दोस्तों। तो दोस्तों चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे अपडेट बराबर टाइमली मिलते रहें मेरे दोस्तों। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, जय AI। अमेरिका और इंडिया, बाइडन ने अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक टी शर्ट गिफ्ट किया है तो उसमें लिखा है द फ्यूचर इज AI, मतलब द फ्यूचर इज अमेरिका एंड इंडिया। A फॉर अमेरिका, I फॉर इंडिया।